बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तमाम देखने वाले स्टूडेंट्स को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम अर्ज है। एक इंतहाई इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के साथ आज मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। कंसेप्ट क्या है कि 7-4 = ये +3 के बराबर क्यों आता है और 4-7 इसके साथ माइनस क्यों लगता है। अगर ये वाला क्वेश्चन जो है ये हमें जो सिखाया जाता है, जो हमें पढ़ाया जाता है, जो कंसेप्ट हमको दिया जाता है, वो कंसेप्ट यही है कि अगर दो नंबर्स का साइन डिफरेंट हो तो उनको हम माइनस करते हैं और उसके साथ वही साइन लगाते हैं जो बड़ी रकम के साथ होता है। यही रूल पढ़ा है ना आपने? मैंने भी यही रूल पढ़ा है, ठीक है। लेकिन आज मैं आपको इसकी हकीकत वाजह करूंगा कि इसके साथ माइनस क्यों आता है और इसके साथ प्लस क्यों आता है। जरा पूरी गौर से तवज्जो के साथ जो है ना ये मेरे अल्फाज सुनिएगा और जो मैं एक्सप्लेनेशन दूंगा उसको गौर से सुनना है आपने। इस चीज को मैं प्रूफ करूंगा बाय द हेल्प ऑफ द रियल लाइन। ये रियल लाइन है मेरे पास, ये हमारा सेंट्रल पॉइंट, और आपको पता है कि जिंदगी के हर मोड़ पे आपको दो रास्ते मिलते हैं, एक रास्ता नेकी की तरफ जाता है और एक बदी की तरफ। तो ये देखें, ये पॉजिटिव, जो पॉजिटिव थिंकिंग होती है उसको हम नेकी कहते हैं, जो नेगेटिव थिंकिंग होती है उसको हम बदी कहते हैं। 1, 2, 3, 4 ये देखें, दाएं तरफ मुड़ते जाएंगे, चलते जाएंगे तो हमारे पास ये पॉजिटिव रियल नंबर्स आते जाएंगे। ये देखें, यहां पे आ गया 6, अब मैंने 7 की एग्जांपल लिखी है तो 7 तक मैं लिखूंगा। अब अगर मैं रियल लाइन के बाएं तरफ मूव करता हूं तो इधर नेगेटिव नंबर आते जाते हैं, -1, -2, -3, -4, -5, -6 और -7। उसके बाद ये सो ऑन चलता जाता है, ये सो ऑन, इधर ये काम अप टू इंफिनिटी और इधर जो है ये सो ऑन माइनस इंफिनिटी में जाके बात खत्म होती है। अब 2 का मतलब क्या है कि मैं यहां पे खड़ा हूं तो 2 स्टेप मैंने मूव करने हैं, तो 1 स्टेप 2 स्टेप मूव किया मैं 2 पे आ गया, 1, 2, 3 स्टेप मूव किया मैं 3 पर आ गया। अगर मैं इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में जाता हूं नेगेटिव साइड में तो फिर 2 स्टेप मूव किया, इस तरफ मूव किया ऑपोजिट डायरेक्शन में, इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो -2 पे पहुंच गया। 3 स्टेप मूव किया तो -3 पर पहुंच गया। अब आइए जरा 7-4 इसका मतलब क्या है। 7-4 का मतलब यह है कि आप 7 के ऊपर खड़े हैं। अब जब प्लस की बात होती है तो आपने दाएं तरफ मूव करना होता है, जब माइनस की बात होती है तो आपने बाएं तरफ मूव करना होता है। अब 7 आगे क्या है, -4, तो मैं 4 स्टेप लेफ्ट साइड पे मूव करूंगा, 1, 2, 3, 4 यहां पे पहुंच गया मैं, और इसका आंसर क्या है, 3। तो इसका मतलब ये हुआ कि 7-4 दैट विल बी इक्वल टू +3 के बराबर होगा, क्योंकि मेरी मंजिल कहां पे रुकी आके, +3 के ऊपर रुकी आके। अब इसी तरह ये देखिए जरा 4-7, अब 4 के ऊपर मैं खड़ा हूं, ये 4 है, ये मेरा स्टैंडिंग पॉइंट आ गया, यहां पे मैं खड़ा हूं। अब मैंने 7 स्टेप मूव करने हैं तो 7 स्टेप मूव करने के लिए माइनस के है ना, तो माइनस के लिए मुझे लेफ्ट साइड पे जाना पड़ेगा। तो आइए 7 स्टेप मूव करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो मैं कहां पे पहुंच गया, -3 के ऊपर पहुंच गया। तो इसलिए जो है ये कहते हैं कि 4-7 किसके बराबर होगा, -3 के बराबर होगा, ठीक है।
तो ये थी इसकी लॉजिक रीजन, जिसको मुख्तसरन तौर पे बताया जाता है कि जिसके साथ बड़ा साइन होगा वो साइन आपने लगा देना है। आई एम फुली होपफुल कि ये कंसेप्ट आपका क्लियर हो चुका होगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।